हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तिल एंड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे घर में बनाना काफी आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए तिल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिल 100 ग्राम, छोटी इलायची 2 से 3 पीस, गुड़ 100 ग्राम, तिल और गुड़ की मात्रा हमें बराबर रखनी है, भुना हुआ मूंगफली जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है 3 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट जिसमें मैंने 5 पीस काजू और 5 पीस आलमंड को बारीक काट लिया है 3 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून घी। अब हम बर्नर ऑन करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे, पैन को गर्म होने दें। पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तिल डालेंगे 1 कटोरी जो कि लगभग 100 ग्राम है। अब हम तिल को निरंतर चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ध्यान रहे कि तिल हमारा जले नहीं, नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे, इसलिए आप इसे निरंतर चलाते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लें। तिल को हमें हल्के भूरे रंग होने तक भूनना है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर हम तिल को भूनकर तैयार करेंगे। तो टोटल इस तिल को भूनने में हमें 5 मिनट का समय लगेगा। टोटल 5 मिनट हो चुका है और तिल भी भूनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं तिल का कलर चेंज हो चुका है, ये हल्के भूरे रंग का हो चुका है। इसका मतलब तिल भूनकर तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो गैस ऑफ कर दें और एक प्लेट में इस तिल को निकाल लें। मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और आप पास से देख सकते हैं कि तिल हल्के भूरे रंग का भूनकर तैयार है। अब हम बर्नर ऑन करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो चुका है और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। गुड़ को आप दरदरा कूट लें या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। गुड़ और तिल की मात्रा हमें बराबर रखना है, तो अब हम निरंतर चलाते हुए गुड़ को मीडियम फ्लेम पर इसे पिघलाकर तैयार कर लेंगे। हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है, तो अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर निरंतर चलाते हुए 3 से 4 मिनट गुड़ को पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और गुड़ भी बिल्कुल पककर तैयार है। तो आप देख सकते हैं के ऊपर जो झाग बन रही है, इससे भी पता चलता है कि गुड़ हमारा अच्छे से पककर तैयार है। आप 1 कटोरे में पानी लें और उसमें गुड़ के 2-4 बूंद डालें। गुड़ अगर नीचे पानी में अच्छे से सेट हो जा रहा है, पानी में घुल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि गुड़ पककर तैयार है। आप पानी से निकालकर इसका एक लड्डू बनाकर देखें, अगर लड्डू अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है, इसका मतलब है कि गुड़ बिल्कुल तैयार है तिल के लड्डू बनाने के लिए। अब हम इसमें दरदरा कूटा हुआ इलायची पाउडर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, भुना हुआ मूंगफली डालेंगे। बर्नर ऑफ कर दें, ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें और अब भुना हुआ तिल भी ऐड कर दें। तिल और ड्राई फ्रूट्स को हम गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस प्रोसेस को आपको बहुत ही जल्दी करना है क्योंकि ठंडे का मौसम है और गुड़ बहुत ही जल्दी जमता है। तो आप बहुत ही जल्दी क्विकली इसे मिक्स करें। देख सकते हैं मिश्रण बनकर बिल्कुल तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए लड्डू बनाना अब स्टार्ट करते हैं। हम एक कटोरे में पानी लेंगे और अपनी हथेलियों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर थोड़ा थोड़ा मिश्रण लें। ध्यान रहे कि हमें
मिश्रण को गर्भ में ही लड्डू बनाकर तैयार करना है। अगर मिश्रण ठंडा हो जाएंगे तो लड्डू बनकर नहीं तैयार होंगे। तो इसी तरह हम बाकी के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप हथेलियों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं और एक टेबलस्पून मिश्रण लें। हाथों की सहायता से इसे गोल आकार का लड्डू का शेप दे दें। आप देख सकते हैं सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। लड्डू को हम 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है और तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, सेट हो चुके हैं। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर यूज किया है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप प्लेन तिल और गुड़ का भी लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से मेरे लड्डू का कलर वाइट आया है। अगर आपको गोल्डन ब्राउन लड्डू बनाना है तो आप गाढ़े रंग वाला गुड़ का इस्तेमाल करें। तो आइए मैं आपको एक लड्डू का टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। लड्डू को आप 4 से 5 घंटे खुले में सुखा लें और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 2 से 3 महीने तक इसे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू को मैंने एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा बारीक कटा हुआ आलमंड से मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से गार्निश करके अपने गेस्ट को मकर संक्रांति में सर्व करें। को तिल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आपको मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।